जिन लोगों के अंदर जोश की कमी है, मर्दाना ताकत की कमी है, ज़्यादा देर तक ठुकाई नहीं कर पाते, मात्र 5 से 10 बार अंदर बाहर करते ही जिनका वीर्य निकल जाता है, या जिन लोगों का डालते ही वीर्य निकल जाता है, जो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा संभोग नहीं कर पाते, तो मात्र इसका एक खुराक खा लो, लगातार पूरी रात ठुकाई करते रहोगे, ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी झाड़ दोगे, चीखे निकालेगी बीबी पूरी रात, फिर भी आपके शरीर से जोश कम नहीं होगा, आपके वीर्य को यह गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा करता है और आपकी संभोग करने की टाइमिंग को बढ़ाता है, आपकी बीबी को खुश करने में आपकी मदद करता है। जो लोग नामर्द हो चुके हैं, नपुंसक हो चुके हैं, उनके अंदर हिजड़ापन आ गया है, उनके लिंग में अच्छी तरीके से तनाव आता ही नहीं, बीबी के पास तो जाते हैं जोश में, लेकिन बीबी के पास पहुंचते ही जोश खत्म हो जाता है, लिंग में अच्छी तरीके से तनाव आता ही नहीं, तो मात्र इसका एक खुराक सेवन कर लो, बीबी के पास जाते ही आपका हथियार लोहे जैसा मजबूत खड़ा हो जाएगा आपकी बीबी की ठुकाई करने के लिए। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी घरेलू औषधि लेकर आया हूँ जिसका अगर आप सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आपकी नामर्दी, नपुंसकता, हिजड़ापन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बूढ़ा आदमी भी 4-4 जवान औरतों का पानी झाड़ देगा, इतनी ज़्यादा पावरफुल और आयुर्वेदिक औषधि है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत औषधि के बारे में जानें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत औषधि को। इस अद्भुत औषधि का नाम है इलायची। इलायची और दूसरी चीज़ चाहिए आपको यह अद्भुत छुहारा। आपको यह इलायची और छुहारा आपके किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। जहां से आप किराने का सामान लेते हैं वहीं से आपको यह छुहारा और यह इलायची आसानी से मिल जाएगा। आपको छुहारा लेना है 250 ग्राम की मात्रा में और इलायची लेना है आपको 50 ग्राम की मात्रा में। तो सबसे पहले आपको इस छुहारे को लें और छुहारे को आपको बीचों बीच एक चीरा लगाना है, बीच में से फाड़ कर उसके अंदर के आपको 3 छुहारे एक साथ लेने हैं और इसके बीच में से काट कर उसके बीज को निकाल लेना है। मात्र एक तरफ से काट कर उसके बीजों को निकाल लें और उसमें आपको 3-3 इलायचियाँ, 3-3 इलायची आपको तीनों छुहारे में भर कर और आपको कच्चे धागे से, जो सफ़ेद वाला कच्चा धागा आता है, उसी धागे से आपको उस छुहारे को बांध कर आपको दूध में डाल देना है। दूध लगभग आपको 250 ग्राम की मात्रा में दूध लेना है और 3 छुहारे में 3-3 इलायची भरकर धागे से बांध कर उस दूध में डालकर उस दूध को उबालें। अच्छी तरीके से दूध को उबालें जब तक कि दूध की मलाई ऊपर ना आ जाए। उसके बाद आपको उस छुहारे को निकालना है, उस धागे को काट कर निकाल दें और उसमें से 3 इलायची, जो आपने 3-3 इलायची डाली है, इलायची को भी निकाल कर रख लें और उस छुहारे को आपको चबा चबा कर खाना है और ऊपर से आपको उस दूध को पी लेना है और उस इलायची को आपको रख देना है। उसे आपको 1 घंटे के बाद मुंह में रखें और उसे चबा चबा कर खाएँ। ऊपर से दूध को आपको पी लेना है। मात्र 14 दिनों तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। यह आपके नस नस में आई हुई कमजोरी को दूर करके आपके अंदर नस नस में मर्दाना ताकत भर देगा, शारीरिक ताकत भर देगा, आपके अंदर बल भर देगा और आपके शरीर के अंदर कभी
ही ताकत की कमी नहीं आएगी, एनर्जी की कमी नहीं आएगी, बल की कमी नहीं आएगी। यह आपको ताकतवर एनर्जी वर्धक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।